আজ পঞ্চম দফায় এনআরসি ও সিএ এর প্রতিবাদে ফের ময়দান পার্ক সার্কাসে একটি জনসভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে এনআরসি ও সিএ না মানার অঙ্গীকার জানান। চিত্রাঙ্কন, গান, কবিতা এবং কেন্দ্র সরকারের নানা রকম ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে এক অভিনব প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত করে। সেখানে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম মহাশয়, এমপি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, এমপি জাভেদ খান, মন্ত্রী বার্ত বসু সহ বিশিষ্ট নেতা নেত্রীবর্গ, চিত্রকর, সঙ্গীত শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বিপুল সাধারণ মানুষের সমাগমের মধ্য দিয়ে এনআরসি ও সিএএ না মানার প্রস্তাব রাখেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। कि हमारा कवि क्या कहते हैं, हमारा हर धर्म का लीडर क्या कहते हैं, और देखो जिसको गाना है गाना गाया, जिसको पेंटिंग करना है पेंटिंग भी कर दिया, पेंटिंग में क्या दिखाया देखो, काला आसमान, एक सेल्फिश जायंट, और देखो हर नागरिक के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोगों ने कह दिया नो एनआरसी नो कैप। अच्छा देखो हर आदमी हर बातों पे जगत को हर कमियाबी को हर आदमी को एक साथ में इकट्ठा करके एक साथ में लड़ना है और लड़ाई में कामयाबी होना है। मिडनाइट में गर्मन बना दिया था, ऐसा देखो ये बिल भी किसी को वक्त नहीं दिया है, सोचने का वक्त भी नहीं किया है, इतना इंपॉर्टेंट बिल है मिडनाइट में पास करा दिया, मेजोरिटी है। लेकिन अगर सीए भी इतना अच्छा है, मेरे को पूरा माने मत, मैं फिर कहने चाहूंगी प्रधानमंत्री जी आपने वोट क्यों नहीं डाला, आप काम है, आपका जो बिल है कैब, आपने तो उस दिन पार्लियामेंट में थे, लेकिन जब आपने वोट नहीं डाला तो मेरे को एक अंदाजा है कि आप भी इसको सपोर्ट नहीं करते, अगर नहीं सपोर्ट करते तो इसको बातिल कर दीजिए, इसको रिजेक्ट कर दीजिए। इंडस्ट्री बंद हो गया है, रुपया का कमती कम हो गया है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, खाली सब कुछ छुपाने के लिए छुपा रुस्तम का माफिक एक बिल ले आता है, और जो भी आवाज तुलता है उसको एंटी नेशनल बोल देता है। हम एक देश का सिटीजन है, हम आजादी का लड़ाई का बाद जो देश को नागरिक बना, देश को सिटीजन बना, 70 साल में 73 साल में आजादी का बाद हर आदमी ने वोट डाला, इसका बाद कितना गवर्नमेंट तैयार हुआ, कितना गवर्नमेंट चला गया। आप लोग भी आज बीजेपी गवर्नमेंट में हो तो आपका वोट में है, हमारा वोट में है, हम नहीं दिया लेकिन कोई कोई दिया इसी के लिए। और आज आप कहते हैं कि वो नागरिक नहीं है, वो सिटीजन नहीं है, वो सब खुश बोइटिया है, सबको खुश बोइटिया देखता है। आप पूछिए आप लोग क्या है, आजादी हुआ था 47 साल में, के साथ नहीं थे, अंबेडकर के साथ नहीं थे, गुरु नानक को नहीं देखा, गुरु भगत सिंह को भी नहीं देखा, राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं देखा, आज क्या 5 साल क्षमता में रहने का बाद आप तैयार करेंगे कौन देश का सिटीजन है और कौन नहीं है, आप कौन है, आप कौन है? अगर एक सिटीजन का माफी हम पूछे कि आप कौन है, अगर हमारा माता जी का, अगर हमारा माता जी का जनो क्या आप लोगों का है तो सब जो 70 साल का पहले जन्म लिया, हमारा माता जी को अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट चाहो हम नहीं दे सकता है, हम डेथ कब हुआ हम बोल सकता है, लेकिन नहीं है। आज मानना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र सबसे
एक साथ में काम करेगा, तो हम प्रांत एक साथ में हो जाए तो कितना खेला तुम दिखाएगा बाबा, कितना गोली चलाओगे, कितना जेल भरोगे। कभी कभी कोई इंसिडेंट होने से मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैंने कल देखा यूपी में बेचारा मर गया गोली में, पुलिस का गले में। तो बोलता है चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी का, और गोली मारना चाहिए, उसको सब छिनके लेना चाहिए। ये क्या कोई बात है? इसको तो सेम बोलना भी सेम होता है, सेम बोलने का भी मौका हमारे पास नहीं है। कोई लीडर लोग है कहता है गोली करके सब मर दो, स्टूडेंट लोग जामिया मिलिया में, चाहे आमू में अगर जादवपुर में हो, चाहे आईएमएम में हो, चाहे आईआईटी में हो, हर स्टूडेंट कम्युनिटी आपका मूवमेंट का साथ है, तो उसको जाकर पिटा देता है, रात में जाके मरता है। एक आदमी हमारा ऐतिहासिक रामचंद्र गुह ने एक गांधी जी का फोटो लेके निकाला था, कैसा बेइज्जती उनका साथ भी किया है, शर्म का बात है। इसको शर्म नहीं लगता? आप धर्म पालन नहीं करता, आप देश में बैठा है और आप आग जलाते हैं। आप बैठ के देखो कि देश कैसे शांति में चलता है, आप वो नहीं देखा? आप देश में आग जला देता है और कहते हैं सबको हटा दो, सबको मार देंगे, सबको पिटाए देंगे, सबको गोली कर देंगे। कितना आदमी को गोली करेंगे? अगर एक मूवमेंट के लिए कोई अन्याय हमने किया, आप मेरे को गोली कर दो, इंसान को गोली मत करो, मानवीयता का गोली मत करो, इंसानियत को गोली मत करो। आज मेरे को बहुत याद आता है एक कविता का दो लाइन, इसी के लिए आया कि कवि में दुख को देखभाल करने के काबिल हुआ तो तू चल बसी। आज जो इंसान देश को रिश्ता दिया, देश को सौंप दिया, आज कहता है तुम लोग सब भग जाओ। कितना कि देखो पंजाबी में एक कहावत है कि साल पड़ोसी का तमन्ना, साल पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। कभी कभी ये लोगों को देखते जब हम लोगों को थ्रेट करते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ ये लोग कौन है, ये थ्रेट करके कहते हैं दिखा देंगे, एजेंसी भेज देंगे, बंगाल से हटा देंगे हम, पर तुम तो देश से पहले हटो, उसके बाद बंगाल का बात सोचोगे। कहना है ना इतना डरो मत। मैंने एक शायरी लिखा था, वो शायरी था बॉबी, वो शायरी बोल देगा बॉबी, बोलो तो क्या लिखा था, जस्ट बोलो, सुन लो क्या बोला। मैं मेरा को शायरी नहीं बोलता, तुम तो कब्र से डरते हो मगर कफन मेरा इंतजार करता। मैं ये बात कहती हूँ इसी के लिए कि मेरे को ईश्वर में जैसा भरोसा है, इलाही में भी मेरे को भरोसा है, हमारा पंजाबी का साथ भी भरोसा है, गौन साहब का साथ, हमारा त्रिपिटक में भी भरोसा है, हमारा बाइबल में भी भरोसा है, हर धर्म का हर वर्ण के ऊपर मेरे को भरोसा है। मैं तो हर तरह कहती हूँ कुछ करके तो देखो, खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राजा क्या है। सारे रुपया देके फॉल्स वीडियो बनाता है और आप लोग को प्रोवोक करते हैं। आप लोग इसमें प्रोवोकेशन मत हो, प्रोवोक मत हो। वो चाहते हैं कि एक धर्म को अलग से बना दो, हम नहीं करने देंगे, हम सब एक साथ में हैं, हम सब एक साथ में हैं। बीजेपी समझो, कोई हमारा एक भाई बहन अलग से नहीं है,
हम लोग एक साथ में जुड़ा है, एक साथ में खाएंगे, एक साथ में बैठेंगे, एक साथ में लड़ेंगे, एक साथ में चलेंगे, एक साथ में जीतेंगे, एक साथ में कामयाबी होंगे। कि हम देश का सिटीजन है या नहीं है, पहले आप बताओ, आप देश का सिटीजन का लायक हो और नहीं हो, उसका बाद सबको गाली दो। हमरा जमन खोदा के सम्मान करी, पंजाबी के सम्मान करी, ख्रिश्चान के सम्मान करी, हिंदू बौद्ध शिख जैन पारसिक मुसलमान और ख्रिश्चानी, तेमनी मन रखबें আমরা মা দুর্গাকে কম দেখিনি ভাই। তুমি তোমার ধর্ম নিয়ে আসবে, ডাক দিয়ে যাই, জাগো দুর্গা জাগো দশপ্রহরণ ধারিণী, অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী, তুমি জাগো জাগো মা, সব ধর্ম সব বর্ণ সব জাতি একসাথে আসুন, মিলিত হয়ে বলি নো ক্যাপ নো কাকা নো কাকা No NRC, no kaka, no NRC। আমি এবার আপনাদের বলবো, আমরা কারা আপনারা বলবেন? নাগরিক হাম কোন হ্যায়, দেশ কা লোগোনে, দেশ কা কনস্টিটিউশন, লোকতন্ত্র মে, আমরা কারা? নাগরিক দোলা, আমরা কারা? আমরা কারা? আমরা কারা? নাগরিক। আমরা কারা? নাগরিক। লড়ছে কারা? নাগরিক। লড়বে কারা? নাগরিক। সব ঠিক খ্রিস্টান হামারা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় হিন্দুস্তান, জয় হিন্দুস্তান। লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই 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 চাই।